नगर निगम चुनाव से पहले सुप्रभात क्लब ने वजीरपुर क्षेत्र के सभी पार्टियों के प्रत्याशियों का अपने क्लब से परिचय कराया तो चुनाव के बाद सभी का अभिनंदन करना भी नहीं भूला। हमारे बीच में करीब 1000 सदस्यों वाले इस विशाल परिवार ने रविवार को एच ब्लॉक पार्क में क्षेत्र के सभी पार्टियों के नए और पुराने जन प्रतिनिधियों को अभिनंदन के लिए आमंत्रित किया तो नजारा कुछ ऐसा था। यहां बीजेपी और आप के पूर्व और वर्तमान विधायक, नए पार्षद और प्रत्याशी सुबह तय समय पर पहुंचे। सुप्रभात क्लब के प्रमुख सदस्यों ने फूल मालाओं के साथ नए पार्षदों और पूर्व और वर्तमान विधायकों का स्वागत किया। सभी ने सुप्रभात क्लब के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि वो क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी लाइन से हटकर एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ काम करेंगे। इस पे विश्वास करते हैं कि लोग विकास को पसंद करते हैं। जो विकास करेगा, जो अच्छी बातें होंगी, उसके लिए बिना पार्टी पॉलिटिक्स के आदमी को आगे करना चाहिए। ऐसे मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी है। हाँ बिल्कुल, देखिए राजनीति 5 साल में एक बार होती है, जब चुनाव होते हैं 1 महीने 2 महीने की। उसके बाद जनता जिसको भी चुनती है, किसी पार्टी को, क्षेत्र के काम के लिए चुनती है, वही हमारी ड्यूटी है और हम वही करेंगे। देखिए मेरी तरफ से किसी प्रकार का भी कोई टकराव नहीं रहने वाला। मैं पार्टी पॉलिटिक्स लाइन से ऊपर उठकर हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे, ये मैं इस क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। राजनीति में विरोधी पार्टियों के नेता और चुने हुए जनप्रतिनिधि भी एक मंच पर क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी की लाइन से ऊपर उठकर परस्पर सहयोग का भरोसा दिलाएं, आम जनता के साथ मस्ती करें और ठुमके लगाएं। ऐसा नजारा सुप्रभात क्लब के मंच पर ही देखने को मिलता है। अशोक विहार से शुरू हुए सुप्रभात क्लब की ख्याति तेजी से फैली है, तो इसकी वजह यही है कि इस क्लब के सदस्य अपने स्वास्थ्य की ही चिंता नहीं करते बल्कि अपनी सामाजिक और रचनात्मक जिम्मेदारियों को भी निभाते आ रहे हैं। निगम पार्षद, विधायक, पूर्व विधायक एक मंच पे आ जाएं, एक साथ आकर के ये बोलें कि क्षेत्र के विकास के लिए वो पार्टी लाइन से अलग हट के मिलजुल के काम करेंगे, तो ऐसा नज़ारा केवल सुप्रभात क्लब के ऐसे मंच से ही देखने को मिलता है। तो आज सुप्रभात क्लब के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या क्या जो यहाँ के चुने हुए नए जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आश्वासन दिया है सुप्रभात क्लब को, यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए, और बधाई भी हम देते हैं कि इस तरह के आयोजन करके सभी राजनीतिक दलों को वो एक मंच पर लेकर के आए हैं। तो विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, और क्या आपको आश्वासन यहाँ से मिला? दरअसल स्वामी जी, आश्वासन तो जब इलेक्शन था उस इलेक्शन से पहले ही सभी उम्मीदवार यहाँ आए थे और सुप्रभात के सभी लोगों से मिले। आश्वासन तो तब दिया था इन्होंने कि हम अगर जीत के आए तो हम आप सबके लिए ऐसा ऐसा करेंगे, और जो जो उन्होंने कहा, तो मज़ेदार बात है कि हमारे कुछ लोगों ने जब उनके मोबाइल पे रिकॉर्डिंग की तो कहा कि ज़रा देख लेना, हमने रिकॉर्डिंग कर ली है। तो आज जब वो निर्वाचित हो गए हैं तो अब उनको काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस सुप्रभात का लक्ष्य ही एक निस्वार्थ भाव से एक जागृति पैदा करना है, तो उस जागृति के अंदर, क्योंकि इनका भी एक बहुत बड़ा इनको कार्य सौंपा गया है जो इनके हाथ में है, अगर वो उन जिम्मेदारी को निभाएंगे तो समझो कि सुप्रभात का एक मकसद ही पूरा हो रहा है। तो हम किसी भी तरीके से इस समाज के अंदर एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि हम अगर सही तरीके से अपने आप को अच्छे कार्य के लिए सौंप दें तो ऐसा कोई कार्य नहीं कि जो ना हो सके। जी बिल्कुल, आपने देखा कि सुप्रभात क्लब के सदस्य केवल अपने स्वास्थ्य की ही चिंता नहीं करते, वो समाज के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, वो इलाके के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और एक बेहतर समाज बनाने की चिंता करते हैं। तो उम्मीद है कि इस तरह के जो आज इस मंच से जब सभी नेताओं को और जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है तो इसके बहुत अच्छे परिणाम निकल करके आएंगे और ये सब क्षेत्र की क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के भलाई के लिए मिलजुल के काम करेंगे। रविवार को इस अभिनंदन समारोह से पहले योगा क्लास हुई, इसके बाद हुआ जुम्बा डांस। योगा और जुम्बा का ये मिश्रण महिलाओं को भी खूब भा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं जब योगा और डांस करती हैं तो ये उन्हें आनंद ही नहीं देता बल्कि मानसिक तनाव और शारीरिक थकान से भी दूर करता है। करते हैं योगा तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक्सरसाइज अपनी जगह है, जुम्बा अपनी जगह है, डांस में एक अलग एंजॉय होता है, एक्सरसाइज में मेंटल रिलैक्स होता है।
डांस करके बहुत बहुत एनर्जी मिलती है और हम एंजॉय भी साथ करते हैं और हमारा एक्सरसाइज स्टेमिना भी बढ़ता है। आप बताइए, आप मैं देखा हर प्रोग्राम में आप बहुत मस्ती करते हैं। मुझे ये लगता है कि साथ होना सबसे ज्यादा मजेदार, चाहे आप योगा करें, वॉक करें, डांस करें, पर साथ में गए। अब सुप्रभात क्लब जैसी संस्थाएं वो सेतु हैं जो परस्पर घोर विरोधी पार्टियों को भी एक मंच पर ले आती हैं। ऐसे मंचों की अनदेखी चुने हुए नेता भी नहीं करना चाहते। सुप्रभात क्लब के इन सदस्यों के सामने जो वादे ये नेता कर रहे हैं वो क्षेत्र के विकास के लिए तो अच्छा ही है, साथ ही दिल्ली की मौजूदा राजनीति के लिए एक अच्छा उदाहरण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।